So friends and beautiful peoples, how are you? So friends, यह एक बहुत ही ज़्यादा श्रापित वीडियो है। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है PUBG मोबाइल के अंदर। मैंने भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे जाके बहुत गंदा सीन हुआ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं। तो भाई एक स्क्वाड को तो हमने लपेट दिया लबालब तरीके से। अब एक और स्क्वाड उस साइड बाकी थी जिसको लबालब लपेटना था। तो यहाँ पर हमने दो स्क्वाड को लबालब लपेट दिया है भयंकर तरीके से। और मैं इस क्या बोलते हैं इस रॉकेट के ऊपर चढ़ गया, इस झूले के ऊपर जो मुझे ढंग से चलाना नहीं आता। अब यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ, देखो भाई मेरा हैंडल आगे नहीं हुआ, ये बंदा यहीं पे ही झूल रहा था पतंग की तरह, फिर ये अचानक से नशे में हो गया, इधर उधर डोलने लगा, ये पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ सीन, ये चक्कर आने लगे मुझे। तो मैंने सोचा लैंड करते, लैंड करके वापस से झूले पर चढ़ते और चलते पोच की साइड, क्योंकि भाई अपन को करने हैं ज़्यादा किल और ज़्यादा किल ऐसे मिलेंगे नहीं। तो झूले से मैं उड़ता हुआ बनता पंछी चल गया फौज की साइड, और फौज की के अंदर एक स्क्वाड ऑलरेडी थी जिसको हम पेलेंगे और उनके साथ थोड़ा खेलेंगे।
तो भैया पुचकी की इस लौंडो को लबालब फैलने के बाद सोचा कि भाई आगे चलते हैं और को भी लबालब फैलना है, लेकिन किसी ने बोला नहीं भाई मैं तो अभी बाकी हूँ, तू मुझे भी मार के जा। तो मैंने सोचा मार ही देते। तो भैया वो उधर से मुझसे छेड़ी कर रहा था, टक टक करके गोलियां चला रहा था कि भाई आ मुझे मार के जा, मुझे मार के जा। मैंने भी कहा चलो कोई नहीं भाई, भाई की मुराद पूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और यहाँ पे मेरे क्रिस बनने के चक्कर में मैं नीचे गिर गया, फिर दोबारा मैं यहाँ पे क्रिस बनने के चक्कर में मैं नीचे पड़ गया। लेकिन कोई नहीं, हम तो बेशरम है, वापस हमको क्रिस ही बनना है, क्रिस ही बनेंगे, छत पर चढ़ेंगे, इधर से उधर बंदर की तरह उछलेंगे, क्रिस की तरह उछलेंगे। तो देखिए आपका फौजकी का क्रिस। तो भाई इस बंदे को भी हमने अच्छी तरीके से पेल दिया लबालब। मैंने उठाई गाड़ी अपनी और इस कोड हाउस में आ गया। उधर सामने बंदे थे, एक बंदा लेफ्ट से फ्लैंक मार के मुझे मारने आ रहा था। खोपड़ी तो साले का। तो भैया इसका एक बंदा तो हो गया डाउन। अब उठाई मैंने अपनी USA में उठाकर मैंने स्कोड़ा उस पर पुश कर दिया कि भाई चलो वहाँ के बंदों को भी थोड़ा देख लेते। लेकिन वहाँ तो दो स्कोड ऑलरेडी लड़ रही थी। तो भाई स्कॉड हाउस हुआ एम्पथी स्कॉड हाउस में थोड़ी सी लूट मचा लेते हैं। लूट मचाने के बाद थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैंने उल्टा ही कर दिया, पहले हेल्थ बढ़ा ली बाद में मैंने लूट मचाई। एनीवेज फ़र्क क्या पड़ता है, बात तो वही है ना। ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे कि नहीं भाई इस बंदे को जल्दी से मार के मुझे गेम ख़त्म करना है, मुझे बाद में मेरी चाय ठंडी हो रही है, मेरे को चाय भी पीनी है। लेकिन इसकी जल्दबाजी में ये बेचारा खामखा पिल गया। अब ये मत करो ऐसा भाई, जल्दबाजी नहीं करने का। तो छोड़ो, मैंने उठाई अपनी भूगी उठाकर मैं सोचा कि भाई जॉन अब्राहम आ चुका है, अब जॉन अब्राहम से पीछा छुड़ाने के लिए भूगी की ज़रूरत पड़ेगी। भूगी में बैठ के मैं मेरा चल पड़ा कि चलो जॉन अब्राहम के बाहर चलते हैं, अंदर चलते हैं, सॉरी
सॉरी फॉर माई इंग्लिश, इन साइड ऑफ जॉनी इब्राहिम गोइंग, बट अचानक ही आपको पता है कि क्या होगा अब यहाँ पर। Hello guys, you know what time it is? ओमाए वा मो शिंदेइरु नानी। अब यार इन लोगों को इतनी वीडियोस दिखा दी कि भाई सोलमान भोई के, सेलमोन भोई के सामने मत सोया करो जमीन पे जबकि वो गाड़ी चला रहे हो। लेकिन नहीं, हमको बात समझनी नहीं है बेटी चौथ, अपन को तो पिलना है, तो गाड़ी से पिलना है, सेलमोन भोई से पिलना है। लो भाई पिल लो, बाद में मुझे मत बोलना कि भाई सेलमोन भोई ने हम पे गाड़ी चढ़ा दी। छोड़ो एनीवेज, जाने दो। तो मैंने सोचा कि माल्टा के अंदर चलते, माल्टा के अंदर अपन को बंदे मिल जाएंगे एक दो। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ जो हादसा होता है भाइयों, मैं आपको वो हादसा बताऊँ, आपको रोना आ जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए, आप मेरे लिए बहुत सैड फील करेंगे कि भाई इसके साथ क्या ही हो गया, बेचारा कितना अच्छा बंदा था। लेकिन नहीं, पबजी वालों ने तो कसम खा रखी है मेरी मारने की। मार लो भाई, मार लो, लो मारो। तो भाइयों मैं थोड़ा उदास हूँ मेरे इसकी डेंट की वजह से, छोड़ो जाने दो। तो बताइए भाइयों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरे लिए सैड फील हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।